दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जिससे पूरे देशवासियों की, भाजपा की और हिंदुत्ववादी संगठनों की आंख खुल जानी चाहिए। आप जानते हैं कि जब भी कोई मामला अटकता है देश में, मुद्दा कोई भी हो, जब पार्टियां किसी मुद्दे पर लड़ती हैं, टकराती हैं और फैसला नहीं कर पाती हैं, तो अंत में वो सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाती हैं और जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है वही सर्वमान्य होता है और सबको मानना पड़ता है। तो ये बात मैं किस लिए कह रहा हूं दोस्तों, अभी गत दिनों सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि सेक्युलरिज्म यानी धर्म निरपेक्षता से ही हमारा देश बचेगा, धर्म निरपेक्षता ही हमारे संविधान की मुख्य बात है। और दूसरे शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व या कट्टर हिंदुत्व को नकार दिया है। हिंदू राष्ट्र की परिभाषा जो भाजपा करती है उसको नकार दिया है। ये अंतिम रूप से हिंदुत्ववादी ताकतों को समझ में आ जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कहता है कि धर्मनिरपेक्षता यानी समानता से ही देश बचेगा और जो ये सेक्युलरिज्म है यही जियो और जीने दो का रास्ता है, यही गांधी, गौतम बुद्ध, नानक जो हमारे संत हुए हैं उनकी भी वाणी यही रही है। और इस वाणी को यानी धर्मनिरपेक्षता की वाणी को, सेक्युलरिज्म को, धर्मनिरपेक्षता को नकारा नहीं जा सकता। इसका संदेश क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाहता है? वो कहना चाहता है कि सत्ता के लिए देश में नफरत मत फैलाइए, आपस में धर्मों को, जातियों को मत लड़ाइए। यदि देश बचेगा तो हम सब बचेंगे। और देश कैसे बच सकता है, जब हम सब मिलजुल कर, चाहे किसी भी धर्म से हैं, किसी जाति से हैं, किसी समुदाय से हैं, किसी वर्ग से हैं, सब मिलजुल के इकट्ठे रहेंगे तभी देश एक रहेगा, तभी देश की अखंडता बचेगी। तो जो धर्मनिरपेक्षवादी ताकते हैं उनका कहना है जो धर्म के नाम पर देश बटे हैं या बने हैं उसमें अपने पड़ोसी पाकिस्तान का आप उदाहरण ले सकते हैं। वहां पर यानी वो एक इस्लामिक देश है जो धर्म के आधार पर बना है, तो क्या किसी धर्म के आधार पर देश के बनने से क्या वहां शांति की, समृद्धि की, विकास की गारंटी हो जाती है? दोस्तों, यदि ऐसा होता तो पाकिस्तान में आज अशांति ना होती। वहां पर कितनी राजनीतिक
ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो पाकिस्तान को तोड़ने के कगार पर ले आई हैं। पाकिस्तान जहां आतंकवाद को पूरी दुनिया में फैलाता है, वही आतंकवाद का खुद भी शिकार हो रहा है, और वो कारण है नफरत, बुद्ध की नीतियों पर नहीं चलना, सबको साथ लेकर नहीं चलना, सब धर्म जातियों वर्गों के लोगों की भावनाओं का सम्मान न करना। तो हमें पाकिस्तान से सीख लेनी चाहिए कि हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र गाने से देश की समृद्धि नहीं होने वाली है, देश का विकास नहीं होने वाला है, देश की एकता नहीं बचेगी। सबको साथ लेके चलना होगा, सबको साथ रहना होगा। जब हम ये जानते हैं कि सभी भारत के जो भी 144, 45 या 150 करोड़ लोग हैं, हम सब भारतीय हैं, जिन्होंने भारत में जन्म लिया है वो सब भारतीय हैं, और वो भारत के नागरिक हैं, इससे अलावा वो कुछ नहीं है। जो धर्म का मुद्दा है वो निजी मामला है और वो घर तक सीमित रहना चाहिए। आपकी पूजा पाठ की क्या पद्धति है वो आपके घर तक सीमित रहनी चाहिए, यही धर्म की परिभाषा है। जब हम घर से बाहर निकलें तो हम सिर्फ भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं, और इस नाते देश के 145 करोड़ या 150 करोड़ लोगों के समान अधिकार हैं। संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया है, इसलिए धर्म के नाम पर संविधान किसी से नफरत करने की, बांटने की, और या धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की, हिंसा करने की इजाज़त नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम रूप से ये बता दिया है, और सभी राजनीतिक दलों को, धार्मिक संगठनों को सुप्रीम कोर्ट की जो ये फैसला है उसको अंगीकार करके हमेशा के लिए नफरत की राजनीति को दफन कर देना चाहिए। सत्ता के लिए नफरत फैलाना, हिंसा फैलाना, देश के समाजों में बिखराव करना, उनको तोड़ना, वोट की राजनीति के लिए, देश के लिए भविष्य में खतरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर ज़्यादा ना कहते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि नफरत हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। प्यार मोहब्बत से ही किसी समस्या का समाधान निकल सकता है, और संविधान में हर समस्या के समाधान के लिए कानून है। तो फिर हमें संविधान की जो व्याख्या है, जो नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट ने की है, उसके बाद ये नफरत की राजनीति का द एंड हो जाना चाहिए, यही हमारे देश के हित में होगा। तो दोस्तों, ये था मेरा मुद्दा आज का, कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होना चाहिए, और अंतिम रूप से धर्म के आधार पर नफरत की राजनीति खत्म हो जानी चाहिए। दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।